दोस्तों, अगर आप LG का डिशवॉशर लेने के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपके पास पहले से अवेलेबल हैं, तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि दोस्तों ये LG डिशवॉशर डेमो वीडियो है जहां पर हमने एक एक इन्फॉर्मेशन को डिटेल में कवर किया है, जिससे कि आप बर्तन कैसे वॉश कर सकते हैं, किस प्रकार से आप एरर कोड का रेजोल्यूशन जो है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इसके ऑल इन वन करके किट प्रोवाइड करती है, ये कंपनी तरफ से फ्री है, मतलब ठीक है। अब ऑल इन वन मतलब इसमें तीन चीजें हैं, सॉल्ट है, रिंसेट है और डिटर्जेंट है। अब बाय चांस आप ये टेबलेट यूज करते हैं तो आपको ये तीनों चीज की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ऑल इन वन मतलब इसमें तीनों चीजों का मिश्रण है। अब आपको लग रहा है कि ये टेबलेट यूज़ नहीं करना और तीनों चीज़ अलग अलग करना है, या आपके यहाँ पे वाटर में हार्डनेस ज़्यादा है, उस कंडीशन में इसके तीनों के यहाँ पे सेपरेट बॉक्स दिए हुए हैं। आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे सॉल्ट फिल कर सकते हैं। सॉल्ट के लिए यहाँ पे ये कवर को आप ओपन करेंगे, कवर ओपन करने के बाद में वन टाइम में 1 kg सॉल्ट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अच्छा, 1 kg एक साथ आ जाता है जो 1 kg वहाँ पे नीचे कंटेनर है, तो 1 टाइम में 1 kg सॉल्ट फिल कर सकते हैं। अभी जो इसमें सेटिंग है 125 PDS की सेटिंग है। यदि आपके यहाँ पे 125 PDS है और इसमें जो सॉल्ट आप 1 टाइम फिल करते हो, तो ये आपको बाई चांस आप 1 टाइम यूज़ करते हैं 24 आवर्स में, तो ये आपको मंथ में 1 टाइम ही फिल करना पड़ेगा। फिर 2 टाइम्स करते हैं तो 15 days, तो 15 days मतलब। और फिर दूसरा इसका इंडिकेशन आ जाता है, नॉर्मली ये एक टाइम पीरियड हमने बताया, बट डिपेंड करता है यूज़ पे मतलब। तो जब भी इसका डिस्प्ले पर सिंबल आएगा उसके बाद आपको सॉल्ट फिल करना है। बाई चांस आप टेबलेट यूज कर रहे हैं और उसमें सॉल्ट नहीं है, तो इंडिकेशन परमानेंट शो करेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। टेबलेट कहाँ यूज करने के लिए? वो केवल सॉल्ट के पर्पस से है ना? वो केवल सॉल्ट के लिए होगा। देन उसके बाद में यहाँ पे एक लिक्विड फॉर्म में रिंसेट आता है, यहाँ पे मैक्स लिखा हुआ है, 1 टाइम में 150 ml रिंसेट फिल कर सकते हैं। अब रिंसेट का बेसिक काम है जो वाटर है उसके अंदर जो ड्राई रहता है, तो बर्तन आपके गिरे निकलते हैं, तो वो ड्राई परसेंटेज को इंक्रीज करता है। दूसरा शाइनिंग के लिए यूज होता है मतलब। सॉल्ट का क्लियर होगा, सॉल्ट का बेसिक काम है वाटर को सॉफ्ट करना, क्लियर। तो ये भी आप 1 टाइम में आप 150 कर सकते हैं, तो ये भी मंथ में 1 टाइम फिल करना आपको। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर होगा कि आप सॉल्ट और रिंसेट फिल करेंगे। अब यहाँ पे मैम देखेंगे तो यहाँ पे 20 क्वांटिटी मेजर करके डालना है। यहाँ पे मैक्स है, आप जैसे फिल करेंगे ना तो मैक्स फिल। यस यस, देन यहाँ पे आपको डिटर्जेंट फिल करना है। अब डिटर्जेंट के लिए मैम देखिए यहाँ पे 15 और 25 लेवल दिया हुआ है। बाय चांस यदि हाफ लोड है तो आप 15 ग्राम फिल कर सकते हैं, और यदि फुल लोड है तो 25 ग्राम। अब बाय चांस आप डिटर्जेंट फिल नहीं करते तो आप एवरी वॉश एक टेबलेट यहाँ पे फिल करके इसको क्लोज कर सकते हैं। आप फिनिश ब्रांड का टेबलेट यूज करते हैं तो इसके रेफर निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यदि आप अदर ब्रांड यूज करते हैं तो उसका रेफर निकाल के ही फिल कीजिएगा। तो ये क्लियर होगा मैम आपको डिटर्जेंट का? अब रेफरल निकाल के मैंने सामने जो फिनिश है इसमें नहीं निकालना है। okay. इससे क्वालिटी ऐसी है कि वो पूरी मेल्ट हो जाती है मतलब। ओके, देन दूसरे ब्रांड की आपको पॉलीथिन निकालना है। ओके, अब यूटेंसिल्स बर्तन आपको लोड करने का मैंने बताया, तो यहाँ पे आप 1 टाइम में 21 प्लेट्स डिनर सेट आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं। डिनर प्लेट्स, क्वार्टर प्लेट्स, हाँ जितनी भी जो प्लेट्स हैं मैम आपको okay. प्लेट्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन आपको लग रहा है कि प्लेट्स का साइज चेंज है और इसके अंदर फिटिंग का इशू आ रहा है, तो ये कंपनी ने एडजस्टर दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। okay. जो इंडियन थाली रहती है उसकी चौड़ाई ज़्यादा रहती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। okay. आप यूटेंसिल्स में आप यहाँ पे तो प्लेट्स या थाली फिल कर सकते हैं, और इस साइड जो लोकेशन यहाँ पे कुकर भगोने रख सकते हैं मतलब। बट यदि ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप प्लेट्स ज़्यादा क्वांटिटी में तो इन्हें भी ओपन कर सकते हैं। okay. अब मैम विशेषकर आपको ये चेक करना है कि जो प्लेट्स है या डिनर सेट है वो तो आप इस पोजिशन में रख सकते हैं, और बाकी जितने भी यूटेंसिल्स हैं सभी को आपको पलटा के रखना मतलब उल्टे रखना है। तो ऊपर वाला जो रेक है ये आपका जो अपर रेक है, इसमें छोटी जो प्लेट्स आती हैं वो आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं, यहाँ पे ग्लास हैंग कर सकते हैं, इस साइड भी आप लोड कर सकते हैं, और ये स्पेशल स्पून के लिए दिया हुआ है, जो स्पून है छोटी स्पून आप इनके अंदर हैंग कर सकते हैं। बट यदि आप देखेंगे तो कंपनी ने एक एक्स्ट्रा कटलरी बास्केट भी दी है, बाई चांस यदि एक्सेस क्वान्टिटी में यदि है तो आप इसके अंदर स्पून लोड करके नीचे जहाँ भी स्पेस सफिशेंट है वहाँ पर इसको लोड कर सकते हैं। पर क्या होता है डेली में आपकी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, रीजन क्योंकि डेली में आप देखेंगे तो ये सफिशिएंट है, आप डेली में करना चाहते हो यूज़ कर सकते हैं, पर आप देखेंगे तो ये एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स का लोड ले रहा है मतलब, वहाँ पे स्पेस खत्म हो रहा है,
तो इसलिए कंपनी ने एक्स्ट्रा दिया कि आपको लग रहा है कि ज्यादा क्वांटिटी में है तो आप इसका यूज करें, और यदि लग रहा है कि ऑलरेडी ये सफिशिएंट है तो इसकी जगह के एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स वो नोट कर सकते हैं। जो सब्जियों के बनाने के जो बड़े सर्विंग हाँ, जो, स्पून रहते जी, हैं वो मैम उसके लिए स्पेशल ये पॉइंट दिया हुआ है, उसके लिए आप उनको यहाँ पे नोट कर सकते हैं। मतलब हैंग करना नहीं, देखिए हैंग करने के लिए तो ये दिया हुआ है, बाकी जो बड़ी सब्जी की स्पून है करछे वगैरह उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। दूसरा मैम ये भी एडजस्टेबल है, आपको लग रहा है कि जो प्लेट से इसके अंदर लोड नहीं हो रही है तो आप इन्हें क्लोज करके आप लेटा के रख सकते हैं। मैम देखिए ये रेक भी उसी के लिए यूज कर सकते हैं, इस साइड भी यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं दोबारा यदि रिपीट करूँ तो एक पर्टिकुलर खाली स्पून के लिए कंपनी ने दिया हुआ है कि पर्टिकुलर आपको यहाँ पे लोड करना, पर बाकी घर के जितने भी यूटेंसिल्स है नॉर्मली हर उसकी एक डिजाइन अलग अलग रहती है, तो आपको तो जितना जो स्पेस है उसको यूज करना होगा। प्रैक्टिकली आप एक दो बार आपको टाइम लगेगा उसको लोड करने में, बट फिर हैवी हो जाएगा तो ज्यादा क्वांटिटी में आएगा। रीजन क्योंकि आपने एक यहाँ पे रखा फिर दूसरा यहाँ पे रखा, तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा लगेगा कि इसमें तो कम यूटेंसिल्स आ रहे हैं, बट आप पूरा स्पेस का यूज करेंगे तो क्वांटिटी ज्यादा आएगा। दूसरा मैम ये वाला जो ट्रॉली है ये एडजस्टेबल है, बाय चांस आपको लग रहा है कि नीचे भी प्लेट्स नहीं है, कुकर भगोनी रखे हुए, बट आपको लग रहा है कि इसके ऊपर भी कुकर भगोनी लोड करना है इस ट्रॉली में भी, तो ये जो की है आप इनको प्रेस करेंगे तो इस ट्रॉली को आप डाउन कर सकते हैं। मतलब नीचे डाउन करने के लिए प्रेस करना, हाँ प्रेस करना है, और ऊपर करने के लिए बस खाली आप प्रेस। क्लियर मैम? अब लोडिंग के दौरान आपको चेक करना है, इंपॉर्टेंट है, जो आपने यहाँ पे डिनर सेट या जो थाली लोड करी है आपको फैन को चेक करना है कि उसकी हाइट इसमें टच तो नहीं हो रही। एक तो आपने यहाँ पे नीचे के लिए तो ये प्लेट्स की हाइट चेक कर लें, दूसरा आपने यहाँ पे जो स्पून हैंग करी क्योंकि छोटी स्पून की भी लेंथ ज्यादा होती है, तो आपको वो भी चेक करना है कि वो स्पून भी यहाँ पे टच तो नहीं कर रहा है। मैम ये इम्पोर्टेंट है। तो लोडिंग आपको क्लियर हो चुका है मैम, आप प्रोग्रामिंग पे आते हैं। ऊपर से ऑन करने के बाद में सबसे फर्स्ट आप यहाँ से पावर ऑन करेंगे। आप जैसे ही पावर ऑन करेंगे तो टोटल यहाँ पे यूटेंसिल्स की कैटेगरी के हिसाब से प्रोग्राम दिए हुए हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपका इको पे सेट है। इको मतलब इकोनॉमी प्रोग्राम, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का पावर सेविंग हो, देन वाटर कंजम्पशन भी कम हो और वाटर क्वालिटी इंक्रीज हो। आप यदि इसमें देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट कंपनी ने इसे इको सेट किया हुआ है। तो इको मतलब इकोनॉमी, तो डेली के लिए आपको कुछ नहीं करना, पावर और देन स्टार्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट किस पर सेट है, इको पे। अब अदर्स यदि चेक करते हैं तो पावर के जस्ट साइड में ऑटो दिया हुआ है। अब आपको लग रहा है ऑटो, तो ऑटो का मेन डिफरेंस ये कि ऑटो के अंदर सेंसर लगे हुए हैं, तो ऑटो में वाटर के अंदर कितना हार्डनेस है, आपके जो यूटेंसिल उसके अंदर कितना ऑयल है, वो उसको सेंस करके बीच में उसका सोकिंग टाइम इंक्रीज कर देता है। मतलब ऑटो मतलब वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता होगा। नेक्स्ट दिया इंटेंसिव। इंटेंसिव यदि आप देखेंगे, देखिए एक चीज़ और देखिए, यदि आप ऑटो लगा रहे हैं तो ऑटो में एक्स्ट्रा डा है बट यहाँ पे स्टीम नहीं है, मतलब देन यदि आप इंटेंसिव लगाते हैं तो इसमें ऐड क्या होगा, स्टीम। अब स्टीम का जो लॉजिक है, एलजी के अलावा किसी ब्रांड में भी स्टीम नहीं है, मतलब हर ब्रांड स्टीम तो यूज करती है पर ओनली ड्राई करने के लिए, बट जो एलजी है ड्राई के साथ साथ जब मशीन वॉशिंग करती है तो वॉशिंग के दौरान भी स्टीम तो फ्लो देती है हाइजेनिक पर्पज से। तो यहाँ पे आप एलजी जो कस्टमर ऑलरेडी आईएफबी अदर ब्रांड यूज कर रहे थे उनका यही मतलब रिव्यू है कि हमारे पास था बट हमने जो एलजी को लिया क्योंकि इसके अंदर स्टीम और कोई इसके ब्रांड में नहीं है, और रियली इसमें वॉशिंग के दौरान स्टीम का फ्लो देती है जिससे हाइजीनिक पर्पज से वेस्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलजी दो जगह स्टीम का फ्लो दे रही है, एक तो वॉशिंग के दौरान देन लास्ट में ड्राई के लिए। तो इंटेंसिव पे आ रहे थे, इंटेंसिव कंपनी का बनाने का पर्पज ये है कि जब बहुत ज्यादा ऑयली यूटेंसिल्स है, एसी यूटेंसिल्स जो इको में क्लीन नहीं हो रहे, ऑटो में क्लीन नहीं हो रहे, उन्हें आप इंटेंसिव यूज कर सकते हैं। देन डेलीकेट, डेलीकेट मतलब टोटल कॉकरी के, यदि फुल लोड कॉकरी का लोड है, डेली तो मिक्स यूटेंसिल्स निकलेंगे बट यदि आप लोग रहा है फुल लोड है तो उसके लिए आप डेलीकेट यूज कर सकते हैं। रिफ्रेश जैसे डिनर सेट्स वगैरह जी उसके लिए आप जी जी बिल्कुल उसके लिए आप डेलीकेट लगा सकते हैं। नेक्स्ट दिया रिफ्रेश। रिफ्रेश मतलब ऐसे यूटेंसिल्स जो अनयूज्ड है, काफी लॉन्ग टाइम से रखे और आपको लग रहा है कि आपके यहाँ पार्टी फंक्शन और उसे एक बार प्री वॉश करना है, तो इसमें विदाउट डिटर्जेंट के आप रिफ्रेश लगाएंगे तो यहाँ पे स्टीम के फ्लो से वो यूटेंसिल्स पूरा क्लीन हो जाएगा, आपको इसके अंदर डिटर्जेंट या टेबलेट यूज नहीं करना है। इको आपको क्लियर हो चुका है। टर्बो, टर्बो कंपनी को बनाने का पर्पज है कि जब हाफ लोड है या फुल लोड है पर यूटेंसिल्स कम ऑयली है और आपको लग रहा है कम टाइम में करना है, उस कंडीशन में आप टर्बो यूज कर सकते हैं। बट बाकी प्रोग्राम में यदि देखेंगे तो टाइमिंग ज्यादा है, आप यदि इंटेंसिव या ऑटो यूज करते हो तो ये सभी प्रोग्राम 3 आवर्स के हैं। अब 3 आवर्स का लॉजिक बता देता हूँ, कंटिन्यू मशीन 3 आवर्स नहीं चलती है,
फॉर 2 आवर्स तक यूटेंसिल्स को सोक करती है। एग्जाम्पल के लिए खाना खाने के बाद में आपने बेसिन में बर्तन रखे हैं तो सेम मशीन के अंदर रखे हैं, बट उसमें इसमें चेंजेस क्या है, इसमें वो डिटर्जेंट के स्प्रे के साथ यूटेंसिल्स सोक हो रहे हैं जिससे वॉश क्वालिटी इंक्रीज होती है। अब आपको लग रहा है कि आपके यहाँ की यूटेंसिल्स है और आप लगा रहे हैं टर्बो कोरा जो कि 140 मिनट का है, और 140 मिनट में यदि क्लीन हो रहे हैं तो आप डेली में 140 वाला भी यूज कर सकते हैं, बट यदि क्लीनिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो फिर कंपनी रेफर करेगी कि आप या तो इको या ऑटो पे जाइए। अब यदि इस पे जा रहा है तो टाइमिंग इंक्रीज हो गया, जो टाइमिंग इंक्रीज क्या हुआ, सोकिंग टाइमिंग, मतलब यहाँ पे यदि सोकिंग होगी तो वॉश क्वालिटी इंक्रीज होगी। क्योंकि मैं टाइम देख रही थी 3 आवर्स 38 मिनट्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इको इंटेंसिव और ऑटो ये सभी 3 आवर्स के प्रोग्राम है, मतलब 3 आवर्स के समथिंग है, बट टर्बो आपका 140 का है और टर्बो में भी आपको टाइमिंग कम करना है तो इसमें से आप एक्स्ट्रा राय माइनस कर देंगे तो ओनली तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि आप 59 मिनट वाला लगा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी ड्राई तो है पर उसका परसेंटेज कम है और वो आपको लग रहा है सफिशियंट है तो एक्स्ट्रा ड्राई की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप यहाँ पे पावर ऑन करें टर्बो और यदि इसमें से एक्स्ट्रा ड्राई माइनस करेंगे तो आपका 59 मिनट बचेगा देन स्टार्ट। क्लियर हुआ मैम आपको ये प्रोग्राम? उसके अलावा इससे भी ऑप्शन की है, इनको इनके साथ प्रेस कर सकते हैं प्रोग्राम के साथ, जैसे एग्जांपल के लिए आपने टर्बो लगाया बट आपको लग रहा है कि टर्बो में आप यहाँ पे ड्यूअल जोन सेट कर सकते हैं। अब ड्यूअल जोन का मतलब ये होता है जब आपको लग रहा है लोअर वाली जो ट्रॉली है नीचे की जो ट्रॉली है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल यूटेंसिल्स है, ऊपर ज़्यादा ऑयल यूटेंसिल्स नहीं है तो आप ड्यूअल जोन प्रेस कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, नीचे की जो ट्रॉली का स्प्रे है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब तो जब आपको लग रहा है कि जो बड़े बर्तन हैं वो ज़्यादा गंदे हैं उस कंडीशन में आप ड्यूअल जोन सेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर टाइमिंग वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब सिर्फ स्प्रे इंक्रीज हो जाएगा। हप लोड ये आपका टर्बो में काम नहीं करेगा, बाकी प्रोग्राम में काम करेगा। हप लोड में यह सिंबल आता है, यदि आपने हप लोड को प्रेस किया तो ये अपर का सिंबल है और ये लोअर का सिंबल है। जब आपको लग रहा है एक ही ट्रॉली का यूज करना है उस कंडीशन में आप ये हप लोड यूज कर सकते हैं। ये इको ऑटो इंटेंसिव जो लॉन्ग टाइम के प्रोग्राम में यूज होगा, यहाँ पे हप लोड मतलब टाइमिंग का कोई कनेक्शन नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ट्रॉली का प्रेशर पंप बंद हो जाएगा। एनर्जी सेवर आपको लग रहा है कि इसके अंदर हॉट वाटर में वॉश नहीं करना, नॉर्मली इसमें 45 डिग्री में वॉश होता है, आपको कोल्ड वाटर यूज करना है, उस कंडीशन में आप एनर्जी सेवर सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टीम, आप स्टीम देखेंगे तो इको में नहीं होगा क्योंकि इकोनॉमी प्रोग्राम है। हाँ, आपको लग रहा है कि बाकी प्रोग्राम में स्टीम ऐड करना है तो यहाँ से आप स्टीम ऐड कर सकते हैं बट यहाँ पर टाइमिंग बढ़ जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर, जब आपको लग रहा है कि आपने इंटेंसिव भी यूज़ कर लिया और इसके अंदर भी यूटेंसिल्स क्लीन नहीं हो रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल यूटेंसिल्स है, उस कंडीशन में आप हाई टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर यदि आप सेट करेंगे तो उसमें 75 डिग्री वाटर हॉट होगा। मतलब एक्स्ट्रा आपको क्लियर है। डिले स्टार्ट में टाइम डाल सकते हैं कि 1 आवर 2 आवर 3 आवर जितना भी आपको टाइम देना है उतने आवर्स पर मशीन स्टार्ट हो जाए। ये आवर में देख रहे हैं? हाँ, ये आवर्स में। डिले मतलब आप सेटिंग कर लो और डिले स्टार्ट प्रेस करके स्टार्ट कर दे उसी टाइम, तो वो जो भी आपने टाइमिंग डाला उतने टाइमिंग के बाद डिले स्टार्ट। 4 मींस मिनट और 4 नहीं, ये 4 आवर्स है, मतलब ये 1 आवर से स्टार्ट होता है। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए आपने टर्बो लगाया, टर्बो 140 का तो ऑलरेडी है बट आपको इसका आगे का टाइमिंग डालना है तो इसको बढ़ा सकते हैं, मतलब ये 1 आवर बाद स्टार्ट होगा, 2 आवर, 3 आवर। अच्छा, मतलब डिले स्टार्ट होगा 1 आवर 2 आवर 3 आवर का स्टार्ट होगा एंड देन वो 1 आवर 49 मिनट्स लेके वो ओवर हो जाएगा टर्बो वन सेटिंग। ये क्लियर हो गया आपको? तो ये ऑप्शनल फीचर है, आप चाहते प्रोग्राम के साथ प्लस कर सकते हैं। आपको रेंज करना है तो पावर ऑन करके आप इको को प्रेस करेंगे तो इसमें ओनली रेंज भी कर सकते हैं, मतलब 3 सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा तो डिस्प्ले पे 18 मिनट लिखा जाएगा, ओनली रेंज कर सकते हैं। केवल पानी से वॉश होगा। टर्बो के नीचे लिखा एक्सप्रेस, जैसे एग्जांपल के लिए आपने टर्बो का टाइमिंग यहाँ से कम कर दिया और 59 मिनट बचा बट आपको लगा कि और क्विकली करना है आपको तो इसको 3 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए तो 38 मिनट में भी आप कर सकते हैं कम्प्लीट। अब इसमें एक्स्ट्रा हटा देंगे 38 मिनट बचा, ठीक है। और उसके बाद में कंट्रोल टू अनलॉक बच्चों के लिए 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो चाइल्ड लॉक हो जाएगा, अगेन 3 सेकंड होल्ड करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे साइनिंग का आप देखिएगा, ये जो साइन आ रहा है ये रिनसेट का साइन है, जब आप रिनसेट फिल करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके अलावा जस्ट उसके नीचे क्लीनिंग का है, बाई चांस अभी ये ऑन नहीं है, आप यदि क्लीन नहीं करते फिल्टर वगैरह चोक हो जाता है तो ये इंडिकेशन दे देगा कि आपको मशीन को क्लीन करना है। एस मतलब सॉल्ट का सिंबल है, जब यदि सॉल्ट बॉक्स में से सॉल्ट खत्म हो जाएगा तो सॉल्ट इंडिकेशन दे देगा, बट यदि आप ये यूज़ करते हैं तो ये परमानेंट ब्लिंक करेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाईफाई का सिंबल है, बाई चांस आपको लग रहा है कि मशीन को मोबाइल से ऑपरेट करना है या आपको ये डाउनलोड, मतलब इसके अंदर 4 प्रोग्राम और एक्स्ट्रा है इन प्रोग्राम के अलावा, तो आप डाउनलोड यहाँ पे वाईफाई का जो की है इसको 3 सेकंड के लिए होल्ड करें तो मशीन का वाईफाई ऑन हो जाएगा।
उसके बाद में इसकी एक ऐप्स आती है स्मार्ट थिंक, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और घर का जो वाईफाई का राउटर है वो जैसे ही पासवर्ड डालेंगे उस ऐप में तो मशीन राउटर से कनेक्ट हो जाएगी। तो इन प्रोग्राम के अलावा फोर प्रोग्राम और आप एक्स्ट्रा डाउनलोड कर सकते हैं। अप टू 20 नहीं, इसमें फोर प्रोग्राम है एक्स्ट्रा। उसके अलावा मैम क्लीनिंग का जैसे आपको मैंने बताया कि हम डाउनलोड होंगे तो फिर डिस्प्ले कहाँ पर होंगे? मोबाइल में होगा मैम। इसमें क्या होगा, इसको पूरी मशीन को मोबाइल से अपडेट नहीं कर सकते, ओनली जो कोर प्रोग्राम है वो आप मोबाइल में डाउनलोड करके, जैसे एग्जांपल के लिए आपने उसमें टू नंबर पे दिया नाइट केयर यूटेंसिल्स, तो आप उसमें टू नंबर नाइट केयर डाउनलोड करेंगे और स्टार्ट आपको यहाँ पे आके करना पड़ेगा। या आपने वन नंबर डाउनलोड किया मोबाइल में तो यहाँ पे वन तो आ जाएगा पर आपको स्टार्ट यहाँ से करना पड़ेगा। कुल मिला के यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो जो स्मार्ट थिंक ऐप्स है इसके थ्रू आप फोर प्रोग्राम डाउनलोड करके इसमें ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकते, मशीन को तो आपको यहीं पे आके स्टार्ट करना पड़ेगा। देन वॉशिंग मशीन में जो कंपनी ने वाईफाई दिया सेम एलजी ने वॉशिंग मशीन में जो दिया उसमें आप पूरी मशीन को भी ऑल इंडिया कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और डिशवाशर में जो वाईफाई दिया इसमें सिर्फ वो फोर प्रोग्राम ऑपरेट कर सकते हैं। देन आप बाहर है तो आप वॉच कर सकते हैं कि मशीन में कितना टाइम बचा है या कोई एरर शो करे तो वो डिस्प्ले पे एरर इंडिकेट कर देगा। क्लीन करने के लिए मैम यहाँ पे देखिए मशीन क्लीन दिया हुआ है, ये मंथ में वन टाइम कर सकते हैं। इसको पावर ऑन करके इंटेंसिव को 3 सेकंड के लिए होल्ड करें तो डिस्प्ले पर 1 आवर 23 मिनट लिखा जाएगा, देन स्टार्ट कर दें। और मशीन क्लीन करने के लिए जैसे वॉशिंग मशीन के लिए तो आप वो डी स्केलर यूज़ करते हैं और इसमें डी स्केलर नहीं डालना है, इसमें आपको नॉर्मल जो प्लेट आती है प्लेन प्लेट उसमें आपको 100 ml विनेगर रखना है मतलब, और ये मंथ में वन टाइम मशीन क्लीन यूज़ करना है। प्लेट में विनेगर रखना है? जी, इसमें डी स्केलर नहीं डालना है, मतलब सीधा प्लेट रख के उसमें विनेगर? जी 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 जी, अब जो प्लेट है ना वो प्लेन होना चाहिए, मतलब उसकी डिप कम होना चाहिए, गहराई कम होना चाहिए मतलब। उसके अलावा मैम अंदर फिल्टर रहता है, बाई चांस फूड पार्टिकल छूट जाते हैं तो इसको आप प्लेट फिल्टर उठा के निकाल सकते हैं, ये भी आप वीक में क्लीन कर सकते हैं। या जब भी आपको लग रहा है कि आउटसाइड फूड पार्टिकल है, कोशिश करें कि फूड पार्टिकल बाहर निकालें, बट फिर भी यदि सब्जी छूट जाती है तो आप इसको क्लीन कर सकते हैं, बाकी तो पूरा क्लीन मिलेगा, सिर्फ यदि फूड पार्टिकल छूटता है तो यहाँ पे चोक हो सकता है। तो ये कितने दिन में? मैम ये डिपेंड करता है, देखिए मैंने आपको बताया कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जो सब्जी वगैरह बची हुई है उसको ऑलरेडी निकाल के डाल रहे हैं तो हफ्ते में भी क्लीन कर सकते हैं, वो डायरेक्टली रख रहे हैं सब्जी है तो डेली करना एक्सेप्ट नहीं करें उस कंडीशन में वो बी शो करेगी। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना, बी फिर हटेगा नहीं तो फिर आपको 100 ml मिल्क रख के ऊपर वाली रैक में देन इसका ऑटो प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, तब वो बी यहाँ से हटेगा, नहीं तो बी नहीं जाएगा। ओके, कंडीशन कोई हो सकती है या तो रॉन्ग डिसीजन या स्पॉन्सर हैंडल ये हो जाएंगे। यस यस, प्रैक्टिकल करेंगे तो कुल मिला के अभी आपने देखा कि पूरा स्पेस यूज होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर भी नहीं आया और स्पेस होगा, तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो क्वांटिटी ज्यादा आएगी। अब ये आपने लोड कर दिया, उसके बाद ये जो फैन है इसको आपने घुमा के देखिए, उससे पता चल गया कि स्पून नीचे नहीं जाएगा। अब ये होगा, ये वाला सेट कर सकते हैं? हाँ, ये रख सकते हैं, फ्रंट इस साइड कर दीजिए उसको। तो फिर ये बीच में इसके इसका ये सीधा ही उल्टा और कैसे रखते हैं, फिटिंग आना चाहिए मतलब। यस, क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, डोर क्लोज किया पावर ऑन कीजिए, अच्छा सॉरी, अच्छा ये प्लस लगा, टर्बो लगाना, टर्बो लगाना, देर स्टार्ट। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट डिटेल्स LG डिश वॉशर के बारे में, जो कि आपने इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में ज़रूर जानी होगी और अच्छे से समझी होगी। दोस्तों अगर आप भी इस डिश वॉशर को अपने लिए परचेस करना चाहते हैं तो इसकी बेस्ट बाय लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी है, उससे आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आप वहाँ से बाय करना चाहें तो इसे बिल्कुल वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार जरूर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और बहुत बहुत खुश रहिए।